जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जी ये रास्ता जा रहा है उस बाड़े को ना, और ये रास्ते के अंदर ही ये चीजें हो रही है। हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ हमें आवाजें आई हैं। पीछे इमली का दरख्त हमने छोड़ा है, और ये दरख्त अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, ये जूम किया हुआ है, ये दरख्त का हाल है जो हमें मिला है वहां पर। ठीक, मैं आपको क्लोज भी दिखाता हूँ। ये रहा वो दरख्त, और ये ना बहुत बड़ा टैंक था यहाँ पर पानी का, जिसको ऊपर ना लोहे की ग्रिल डाली गई थी। और वो कह रहे थे कि यार इसके अंदर से आवाजें आती हैं, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। हमने वहां पर सुनी जो आवाजें वो आपको सुनाई, इसके अलावा कई आवाजें हैं जो भी हमने सुनवाई नहीं है आपको, ये आपने देख लिया। अच्छा, अब हम पहुंच रहे हैं जी, ये देखिए, देख रहे हैं आप क्या हाल हुआ है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोट कीजिएगा जी, ये हम बाड़े के अभी बाहर हैं और हम देखकर यहाँ पर रुक गए सारे। एक ख्याल ये था, मैं पहले ऐसे फार्म हाउसेस पर गया हूँ, बाड़ों पर गया हूँ, जहाँ पर ना इस तरह के हमले हुए। मेरी पहली कोशिश बिल्कुल यही होती है कि यार कहीं ये लाइटनिंग तो नहीं हुई, बिजली तो नहीं गिरी आसमान से। भैंसें अक्सर काले रंग की होती हैं, रात भर बैठी रहती हैं, आंखें चमक रही होती हैं, अक्सर दुनिया में हो जाते हैं इस तरह की लाइटनिंग, लेकिन हमें कोई जलने के कोई काला निशान ना पहले मिला ना अब मिला। ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, आपको याद होगा एक दो बाड़ों में हम ऐसे गए जिसकी छतें ही ना ऐसा लगता था ऊपर से कोई भारी चीजें गिरी हैं। लोग आधे वहां पर हमें ये कह रहे थे कि यार यहाँ से ना जन्नात का गुजर हुआ है। तो मैं कह रहा था उनको कि यार गुजर तो उनका अक्सर होता है, मगरिब का वक्त होता है, सपहर कहते हैं जिनका गुजर होता है, एहतियात कर लें, बर्तनों को ढांप लें, खाने पीने की चीजों को ढांप लें, बच्चों को बाहर से अंदर बुला लें, कुछ मखसूस पहर। लेकिन कभी वो ऐसे तबाही मचाते हुए नहीं जाते, ये तो हमला था। और यहाँ काम करने वाली लेबर भागी, सिर्फ हमला यहाँ ने शिराज में दीवार भी टूटी है, देखिए ये दीवार भी टूटी है। पता नहीं ये जानवर बेचारे भागे हैं डर के मारे, या इधर भी हमला हुआ है, ये हम बाहर से देख रहे हैं, हमारी आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि हम देख क्या रहे हैं। एक चीज गिर जाती है, टूट जाती है, कोई चलो कोई ट्रैक्टर गुजर गया, किसी जानवर ने तबाही मचा दी। सर ये ऊपर से ना, ऊपर से वजन आया है, ये आप देख रहे हैं सारे बांस, ये लोहे के भी हैं बीच में, सिर्फ लकड़ी के नहीं, वो सब यूं हो गए। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जिस पर हम सब हैरान थे कि हम हैं कहाँ। सब सेंटर से बैठे कॉर्नर में है, उधर वो भी है पूरा जो उसका पैच है ना, वो भी बना हुआ है ना जी, आगे है आगे बाकियां थी। ये पूरा पोर्शन जो है ये देखें सही, ऐसे ऐसे जैसे माचिस की तीलियों को नहीं तोड़ देते बांस, तो इतने मोटे मोटे बांस भरे हुए इनको उठा नहीं सकते आप, और एक नहीं 15-20, और ये लोहे का पोल है बीच में जी। ये लोहे के भी टूटे, लकड़ी के भी टूटे, अब हम इसी को देख रहे। हमें आवाजें आई, वो आवाजें जो हम दूर से आ रही थी, वो आवाजें हमें यहाँ से आ रही थी, इस जगह से हम भागे हैं कई बार। अब हमने क्या किया, देख लिया वो आवाजें, हमने रिकॉर्ड कर ली, हमारी बर्दाश्त से बाहर हुआ, हमने कहा यार बस से वापस चलते हैं। लिटरली ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही खत्म हो गई, क्योंकि आवाजें जो थी ना वो सैकड़ों की आवाजें थी, कोई एक दो आवाजें नहीं थी, कबीले इनकी आवाजें। और हमने फैसला किया कि बस यहाँ से अब वापस चलते हैं, और हम वापस जा ही रहे थे कि जिस गेट से हम दाखिल हुए थे ना, उस गेट पर पता है क्या देखते हैं, ये देखते हैं जी उस गेट पर हम, ये गेट की दीवार है, ये गेट है, और ये कोई काली चीज यहाँ बैठी हुई ना अपनी आंखें फाड़ के हमारे लिए ऐसे खड़ी है, अंदर नहीं आ रही, गेट पर बैठी हुई है। हम देख रहे हैं कुत्ता है, बिल्ली है, बकरा है, लोमड़ी है, भालू है, क्या है हमें समझ नहीं आ रही। इसका जो शेप था ना, इनको लग रहा था सीगल, सी है, सील है, सील है, क्या पानी का क्या कहते हैं, पानी की बिल्ली कहते हैं, पानी की बिल्ली नहीं कहते जिसको काले रंग की बॉक्सर होती है, वो फुटबॉल को भी ऐसे बॉल के साथ खेल रही होती है, तालियां भी बजाती है इस तरह से। मुझे कह रहे हैं सील है ना, सील यहाँ कहाँ से आ रही है। अब हम इसको आपको और क्लियर करके दिखाते हैं कि ये देख रहे हैं आप, ये अंधेरा है पीछे, ठीक है, और ये जेट ब्लैक चीज नजर आ रही है आपको, ठीक। मैं आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ, ये नहीं
मैंने इसके पंजों को रिकॉर्ड करवाया इनसे, यकीन करें मैंने पंजों को रिकॉर्ड करवाया, पंजे मुझे भालू के लगे, काला भालू नहीं होता उसके लगे। अभी पीछे अंधेरा है, ये अंधेरे का रंग है और इसका रंग है जेट ब्लैक। ये हम यहाँ आए तो ये चीज यहाँ पर, इसकी हमने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई इसका शोर नहीं सुना, ये हमारे पास नहीं आया, अंदर नहीं आया, ये बाहर इधर रुके हुए, इधर रुके हुए। और वो रऊफ भाई जो है बेचारे हमारे, वो बार बार यही कहें कि भाई मखलूक है ये, कोई और मखलूक है। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये ऐसे ही आते हैं सामने। अब मैं हम आवाजों को पूछ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार ये आवाजें क्या आबादी है यहाँ पर, कहते हैं ये आबादी नहीं है, ये कोई जिन्नात है। आबादी भी होती है पशु या कुछ भी लोग होते, तो एक अपने छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के बच्चे हमारे द्वारा शोर भी न जाते हैं। नहीं सुनी पहले कभी ऐसी आवाज। अब जी इसकी अगर आप देखे ना, लिटरली भालू लगता है, रीच भालू, लेकिन ये भालू भी नहीं था, ये भालू भी नहीं था। मैं आपको दिखाऊं ऐसी मखलूक जिसको हमने तौबा यार तौबा। इसके बाद क्या हुआ है, हम फंस गए जिसे कहते हैं गेट पर, ये पीछे वो बाड़ा, आवाजें चीखो पुकार, हमारे पास रिक्शा, और वो भाई कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। मैं उनको रोक रहा हूँ कि यार कहाँ जा रहे हो, किसके पास कैसे जा रहे हो आप जी। आगे क्या हुआ मैं आपको बस कैसे बताऊं, बस वो आपको कहते हैं ना कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बस ये समझ लें दुआएं हैं, करम है जिस पर, तो अभी सारे की लब्बैक कहते हैं कि हाँ यार मान ले भगवान के हम पर खास करम है, शुक्र खास नजरे अनायत है, दुआएं हैं कि मखलूकात हमारी मदद करने आ जाती है। जहाँ शर मखलूकात होती है ना, वहाँ हमारी साइड पर पॉजिटिव मखलूकात, नेक मखलूकात हमारा साथ देती है। कटहरी यहाँ पर पूरा वक्त हमारे सर पे थी। मैं, मेरी मजबूरी है, मैं अभी आपको बता नहीं सकता, बस आप समझ लें कि शायद न्यू ईयर है ये, जैसे आप लोग चाहते हैं ना कि कुछ ऐसा हो जो हम कभी भुला ना सकें जी, यादगार जो आपको चीजों में याद आती है, मुश्ताक, सखर हवेली, शमशान घाट, तोलानी, कश्मीर, कोयटा, बिगफुट, मैं कहता हूँ शायद कुछ वैसा होने जा रहा है। हम तो यहाँ से जा रहे थे वापस, सही, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, फिर बाद में तो हम अपने बंदों को बचाना शुरू हो गए। सही भाई, ऐसी हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की यहाँ पर, हमने अपने आप को बचाया है यहाँ पर। दिखाऊंगा आपको, फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।